हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम आपके बीच इनटू द वाइल्ड फिल्म को एक्सप्लेन करेंगे। ये फिल्म इसी नाम की एक नॉवल पर बेस्ड है जिसको लिखा था जॉन क्रेक्योर ने। ये एक रियल स्टोरी है। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता एमिल हर्श है जिन्होंने इस फिल्म में क्रिस्टोफर जॉन मैकिनलिस का कैरेक्टर निभाया है। ये इनके करियर की अब तक की बेस्ट फिल्म मानी गई है। ये फिल्म एक इंसान के जज्बे, उसकी सोच और उसकी एडवेंचर्स पर बेस्ड है जो की आम जिंदगी से काफी अलग है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस फिल्म को शुरू करते हैं। इस फिल्म की शुरुआत मई 1990 से होती है जहां क्रिस्टोफर जॉनसन मैकिनलिस यूएस की इमोरी कॉलेज से अपने ग्रेजुएशन A+ ग्रेड से पास करता है। इसके बाद क्रिस अपने फैमिली के साथ एक रेस्टोरेंट पर बैठा होता है जिसमें इसके मॉम डैड के साथ इसकी सिस्टर कैरीन भी होती है। ये क्रिस के मॉम डैड उसे आगे के करियर के लिए पूछते हैं और क्रिस कहता है कि अभी वो बिल्कुल भी श्योर नहीं है कि उसे आगे क्या करना है। फिलहाल उसे कुछ दूसरी चीजों को प्रायोरिटी देनी है। क्रिस के पास गेटसन कार होती है तो अब काफी पुरानी हो चुकी होती है। उसके पेरेंट्स उसे कहते हैं कि हम तुम्हें एक नई कार गिफ्ट करना चाहते हैं, पर क्रिस कहता है कि उसकी पुरानी कार ही अच्छी है और उसे कार तो क्या, किसी भी नई चीज की जरूरत नहीं है। दरअसल क्रिस की उसके मॉम डैड से एक बनती नहीं है, वो उनसे नाराज रहता है और क्रिस के लिए मटेरियलिस्टिक चीजों की बिल्कुल भी वैल्यू नहीं होती, वो दिखावे में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता। दरअसल शुरू से ही क्रिस और उसकी सिस्टर कैरीन अपने मॉम डैड के झगड़े को लेकर डिप्रेशन में रहते हैं, तो शायद कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन है कि उसे जिंदगी की असल खुशियों के आगे ये सब बेकार सा लगता है। अब इसके कुछ दिन बाद वो अपने कॉलेज फंड में पड़े पूरे $24,000 जो कि उसके मॉम डैड ने उसके आगे की पढ़ाई के लिए जमा किए होते हैं ऑक्सफैम ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट कर देता है जो कि एक NGO होता है। इसके अलावा क्रिस अपना ID कार्ड, सोशल सिक्योरिटी कार्ड, क्रेडिट कार्ड, DL और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स जला देता है और किसी को बिना बताए कार लेकर अपने सफर पर निकल पड़ता है। क्रिस अपने तरीके से अपनी जिंदगी को जीना चाहता है, वो नेचर से कनेक्ट होना चाहता है, वो एक एक्सट्रीम वाइल्ड लाइफ जीना चाहता है। क्रिस अपनी पास्ट लाइफ को भुलाकर एक नई जगह जाना चाहता है जहां उसे कोई ना जानता हो, जहाँ ढेर सारे एडवेंचर्स हो। क्रिस आज की इस प्रेजेंट सोसाइटी से काफी दूर रहना चाहता है जहाँ वो लाइफ की असली मीनिंग को ढूंढ पाए। क्रिस अपनी कार लेकर अपने सफर पर आगे बढ़ता है। एरिजोना पहुंचकर रात में वो अपनी कार में ही सो जाता है, पर इस टाइम में फ्लैश फ्लड एरिया में होता है और जब वो सुबह उठकर देखता है तो रात में आए फ्लड से उसकी कार वहीं पर बुरी तरह फंस गई होती है। क्रिस अब डिसाइड करता है कि वो आगे का सफर अपनी कार के बिना ही करेगा, पर क्रिस आगे बढ़ने से पहले अपनी कार की नंबर प्लेट निकाल देता है ताकि कोई पहचान ना पाए कि ये उसकी गाड़ी है और उसका पीछा करते हुए उसे ट्रेस ना कर पाए। इसके साथ ही क्रिस के पास जितने भी डॉलर्स बचे होते हैं वो उन्हें भी जला देता है, यानी कि वो अपनी जर्नी पे बिना पैसों के, बिना कोई चीज लिए जाएगा। अब क्रिस के पास कुछ नहीं होता है सिवाय एक टूरिस्ट बैग के जिसमें उसकी ढेर सारी बुक्स और कुछ जरूरी सामान होता है। क्रिस अपना आगे का सफर हिच हाइकिंग पर करने वाला है, यानी कि वह लोगों से लिफ्ट मांग मांग कर आगे बढ़ेगा। क्रिस इस सफर में अपने आप को एक नया नाम भी देता है और उसका नया नाम होता है अलेक्जेंडर सुपर ट्रैम्प। अब दूसरी तरफ क्रिस की फैमिली क्रिस से कोई कांटेक्ट ना कर पाने से काफी परेशान हो रही होती है, पर क्रिस इधर अपनी लाइफ को एक्सप्लोर कर रहा होता है। क्रिस कैलिफोर्निया पहुंच जाता है और यहाँ उसकी मुलाकात एक हैप्पी कपल से होती है जिसका नाम रैनी और जैन होता है। ये क्रिस को अपनी गाड़ी में लिफ्ट देते हैं और बताते हैं कि हम दोनों भी तुम्हारी ही तरह हैं, हम लोग भी जगह जगह जाकर घूम कर कैंपिंग करते हैं, बस फर्क यहाँ है कि हम लोग गाड़ी से सफर करते हैं और तुम पैदल कर रहे हो। इसके बाद क्रिस कुछ दिन इन दोनों के साथ बिताता है। इन दोनों में स्पेशली जैन क्रिस को काफी मानने लगती है। क्रिस उसे उसके लड़के की याद दिलाता है जो लगभग क्रिस की एज का ही था और वो उसे छोड़कर चला गया था। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, पर क्रिस को अपनी वाइल्ड लाइफ जीने के लिए अलास्का जाना होता है और एक दिन सडनली वो इन दोनों को बिना बताए वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद क्रिस जाता है ईस्टर्न साउथ डकोटा जहाँ उसकी मुलाकात ड्वेन वेस्टनबर्ग नाम के शख्स से होती है। इस आदमी के पास बहुत बड़े बड़े खेतों का कॉन्ट्रैक्ट होता है और क्रिस इसके अंडर में इसके खेतों में काम करना शुरू कर देता है और बड़ी बड़ी मशीनों से फसल काटना शुरू करता है। क्रिस यहाँ पर अपनी लाइफ को काफी इंजॉय कर रहा होता है। क्रिस और ड्वेन काफी अच्छे दोस्त बन चुके होते हैं और क्रिस उससे गन दिलवाने के लिए कहता है। वो बताता है कि उसे अलास्का की वाइल्ड लाइफ जीनी है और वहाँ जानवरों को मारकर खाने और अपनी सेफ्टी के लिए एक गन चाहिए होगी। ड्वेन उसको एक गन दिला भी देता है, पर इसके कुछ ही दिनों बाद ड्वेन को कुछ इलीगल एक्टिविटीज के लिए FBI आकर हिरासत में ले लेती है और इसी के साथ ही क्रिस का यहाँ का सफर भी पूरा हो जाता है। क्रिस को अपनी सफर पर निकले हुए काफी महीने बीत चुके होते हैं और अब क्रिस
कोलार्डो रिवर को पार करके साउथ की तरफ जाना चाहता है, पर इसके लिए उसको वहाँ की अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी। और अब क्रिस इसके लिए परमिशन लेने जाता है तो उसे बताया जाता है कि उसका नाम वेटिंग लिस्ट में लिख दिया जाएगा। और अब क्रिस वेटिंग लिस्ट चेक करता रहता है तो वेटिंग लिस्ट में क्रिस का नंबर 12 साल बाद होता है। अब क्रिस 12 साल तो वेट नहीं करने वाला था, तो क्रिस अब बिना परमिशन के ही सेकेंड हैंड डोंगी खरीद कर खुद ही नदी को पार करने के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे कपल भी मिल जाता है। जब क्रिस उन्हें बताता है कि उसने आगे की जर्नी अभी डिसाइड नहीं करी है, तो वो लोग कहते हैं कि क्यों ना तुम मैक्सिको चले जाओ। वो उसे मैप दिखाते हैं कि ये नदी कैसे मैक्सिको तक जा रही है। क्रिस इन लोगों के साथ बैठ एंजॉय ही कर रहा होता है, पर तभी उसे पुलिस का अलार्म सुनाई पड़ता है जो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे आ रही होती है। क्रिस अब इन दोनों को छोड़कर वहां से आगे निकल जाता है। मैक्सिको पहुंचने से पहले क्रिस रास्ते में काफी वक्त बिताता है। वो वहां नेचर को खूब एंजॉय करता है और एक केव में 36 दिनों तक रहता है। क्रिस अपनी डॉगी डेजर्ट में छुपा देता है और मैक्सिको में घूमता है, पर कुछ दिन बाद वह तूफान आता है और अब इस कारण उसे यूएसए वापस आना पड़ता है। पर ये उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया क्योंकि यूएसए का बॉर्डर क्रॉस करते वक्त उसे पकड़ लिया जाता है और उसके पास कोई भी आईडी नहीं होती है। क्रिस से उसकी गन भी छीन ली जाती है और क्रिस को एक रात जेल में बंद रहना पड़ता है। इसके बाद क्रिस शहर पहुंच जाता है, लेकिन वो अब लोगों से लिफ्ट मांगने की बजाय मालगाड़ी से इधर उधर घूमता है, पर ये ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला था और एक बार उसे रेलवे पुलिस पकड़ लेती है और बहुत मारती है। इसके बाद क्रिस ने कभी भी मालगाड़ी में सफर नहीं किया और वो पहले की तरह ही हिच हाइकिंग या पैदल चलने वाला था। क्रिस इसके बाद लॉस एंजलिस से लेकर लॉस मेगस तक खूब घूमता है और अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करता है। उसके बाद क्रिस 1991 का ऑटम सीजन एरिजोना में मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट में काम करते हुए बिताता है, पर यहाँ भी क्रिस काफी टाइम तक नहीं रुकता और इसके बाद क्रिस यहाँ से भी चला जाता है। अब क्रिस को घर से निकले हुए लगभग एक साल से ऊपर हो चुका था, लेकिन क्रिस वापस जाने के मूड में नहीं दिख रहा था। अब इसके बाद क्रिस कैलिफोर्निया की स्लैब सिटी पहुंच जाता है, जहां उसे रैनी और जैन दोबारा से मिल जाते हैं, जो उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। क्रिस की मुलाकात यहां पर एक क्रेसी नाम की लड़की से भी होती है। क्रेसी क्रिस को काफी पसंद करने लगती है और उसे प्रपोज भी करती है, पर क्रिस उसे मना कर देता है। इसकी दरअसल दो वजह होती है। पहली ये कि वो अंडर एज थी, यानी कि वो सिर्फ 16 साल की थी, और दूसरी क्रिस को अलास्का के लिए निकलना है। वो एक वाइल्ड लाइफ जीने का सपना लेकर बैठा हुआ है और वो इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहता। क्रिस फाइनली वहां से भी चला जाता है। क्रिस इसके बाद अलास्का जाने से पहले कैलिफोर्निया के सेल्टन सिटी में अपना कैंप लगाता है और यहाँ पर लगभग 2 हफ्ते बाद उसकी मुलाकात एक 80 साल के बुड्ढे आदमी रॉन फ्रैंक से होती है। रॉन को क्रिस की बातें काफी इंटरेस्टिंग लगती हैं और ये लोग काफी टाइम साथ में बिताते हैं। रॉन क्रिस को बताता है वो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है और उसकी बीवी और बेटा बहुत पहले एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। रॉन टाइम पास के लिए अपने घर पर ही लेदर का काम करता है और क्रिस भी उसके साथ लगकर लेदर का काम सीखना शुरू कर देता है। क्रिस यहाँ पर एक लेदर बेल्ट पर अपनी पूरी जर्नी की डिटेल्स मेंशन करता है। अब लगभग इस तरीके से 2 महीने और बीत जाते हैं और अब क्रिस को फाइनली अलास्का के लिए निकलना होता है, पर रॉन नहीं चाहता है कि क्रिस अलास्का के लिए जाए। वो क्रिस से कहता है कि मेरी फैमिली में अब और कोई नहीं बचा और जिस दिन मैं मर जाऊंगा उस दिन मेरा पूरा वंश खत्म हो जाएगा और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे ग्रैंडसन बनकर रहो, यानी कि वो क्रिस को अडॉप्ट करना चाहता है। पर क्रिस कहता है कि मैं आपकी बात की काफी इज्जत करता हूँ और फिलहाल मुझे अलास्का के लिए निकलना है और वहां से आने के बाद हम इस बारे में बात करेंगे। फाइनली क्रिस वहां से निकल जाता है। क्रिस लिफ्ट मांगकर अलास्का बॉर्डर तक पहुंचता है और बॉर्डर पर पहुंचने के बाद जिस आदमी ने उसको लिफ्ट दी होती है वो क्रिस को बूट्स गिफ्ट करता है, क्योंकि वो देखता है कि क्रिस के पास इस बर्फीली जमीन पे रहने के लिए अच्छे जूते भी नहीं है। वो क्रिस से कहता है कि ये जूते तुम्हारे पैर को इस गीली बर्फ से बचाएंगे। अब क्रिस अलास्का पहुंच चुका होता है और उसे घर से निकले हुए अब लगभग 21 महीने बीत चुके होते हैं। क्रिस अलास्का में सिर्फ कुछ ही तैयारियों के साथ गया होता है। उसके पास 10 पाउंड चावल, 22 राइफल, किताबें, कैमरा और कुछ जरूरी सामान होता है। अब अलास्का के काफी अंदर जाने के बाद वो एक पेड़ की टहनी पर अपनी टोपी लगा देता है, क्योंकि क्रिस को आगे एक नदी पार करनी होती है। क्रिस ने ये टोपी निशानी के तौर पर लगाई होती है कि उसे वापस लौटते समय रास्ता भटकना ना पड़े और वह टोपी देखकर सही रास्ते पर वापस आ जाए। क्रिस अब उस नदी को बड़ी आसानी से पार करते हुए आगे बढ़ता है और अपना कैंप लगाता है। वहां अलास्का में बर्फ ही बर्फ जमी होती है। क्रिस यहां आग जलाता, किताबें पढ़ता और भूख लगने पर जानवरों का शिकार करता। क्रिस को वहां काफी घूमने पर एक बस दिखाई देती है। जब क्रिस पास जाकर देखता है तो उस बस में कोई भी नहीं होता। आग जलाने के लिए एक अलग जगह होती है और रहने का काफी अच्छा इंतजाम होता है। क्रिस ये देखकर काफी खुश हो जाता है और इस बस को मैजिक बस के नाम से बुलाता है। क्रिस अब उस बस को अच्छे तरीके से साफ करता है और उसी में रहना शुरू कर देता है। क्रिस अपने डेली रूटीन में किताबें पढ़ता है, आसपास मिले जानवरों को शिकार करता और एक डायरी में अपनी जर्नी में मिले एक्सपीरियंसेस लिखता है। क्रिस के आसपास दूर दूर तक कोई नहीं होता है और वो यहाँ इतने बड़े एरिया में अकेले रह रहा होता है। अब धीरे धीरे टाइम बीतता है और क्रिस का लाया हुआ राशन भी खत्म होने लगता है। क्रिस को अब सही डाइट ना
ना मिलने की वजह से धीरे धीरे वो दुबला होता जा रहा था। उसकी कमर का साइज कम हो रहा था तो वो हर बार अपनी बेल्ट पर एक नया छेद करता और अपनी बेल्ट को टाइट करता। उसका खाना खत्म हो रहा था तो एक दिन मूस का शिकार करता है। मूस एक तरह का जंगली हिरण होता है जो देखने में काफी बड़े साइज का होता है। वो बेसिकली नॉर्थ यूरेशिया और नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। क्रिस उसका शिकार करता है ताकि उसका खाना काफी दिनों तक चल सके, वो उसे स्टोर कर पाए। पर जैसा उसने सोचा होता है वैसा कुछ भी नहीं होता। उस जानवर का सारा मीट प्रिजर्व नहीं होता है और वो सड़ना शुरू हो गया था। उस पर कीड़े लगने लगे थे। इस बात से क्रिस बहुत हताश हो जाता है। क्रिस का अब यहाँ रहना बहुत मुश्किल हो चला था तो अब वो डिसाइड करता है कि वो यहाँ से वापस जाएगा। क्रिस अपना बैग पैक करता है और वापस जाने लगता है, पर ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि जिस नदी को पार करके वो यहाँ तक आया था, अब वो नदी का बहाव बहुत तेज होता है और वो पानी बहुत तेज बह रहा होता है। वो नदी अपने पूरे उफान पर होती है। दरअसल वह मौसम बदल गया था जिस समय क्रिस आया था। उस समय का मौसम अलग था, 3 महीने 4 महीने पहले का। अब यहाँ पर क्रिस के पैर भी फिसलता है और वो उस नदी में बहने से किस तरीके से अपने आप को बचा पाता है। अब मजबूरी में क्रिस को वापस मैजिक बस की तरफ आना पड़ता है। क्रिस के पास अब उसका राशन पूरी तरह से खत्म हो चुका था और उसके आसपास कोई जानवर भी नहीं मिल रहा था जिसका वो शिकार करके खा सके। अब उसके पास जंगली पेड़ पौधे और उनकी जड़ों को खाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। क्रिस अपने सफर में किताब लेकर आया होता है जिसमें जंगल में क्या खाना है क्या नहीं ये बताया गया है, क्योंकि जंगल में हर पौधा खाने वाला नहीं होता। क्रिस जंगल में कुछ पौधे की पत्तियां तोड़कर खाने के लिए इकट्ठा करता है, पर क्रिस को ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। इस बुक में वाइल्ड पोटैटो को एडिबल और वाइल्ड स्वीट पी को इनएडिबल बताया गया है, पर क्रिस वाइल्ड पोटैटो की जगह वाइल्ड स्वीट पी के सीड्स और लीव्स खा लेता है जो कि काफी पॉइजनस होती है। और अब क्रिस की बॉडी पहले से भी कमजोर हो गई थी और अब पॉइजन फैलने के बाद वो बहुत ही ज्यादा कामचोर हो गया था। उसके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं बची थी कि वो अपने लिए बाहर जाकर खाना इकट्ठा कर सके। क्रिस को यहाँ रहते हुए लगभग 100 दिन पूरे हो गए थे। वो जो करना चाहता था उसने कर लिया, पर पॉइजन की वजह से उसके दिन करीब आ रहे थे। ऐसी सिचुएशन में भी डायरी में अपने थॉट्स लिखता है और लाइफ के आखिरी दिनों में वो एक थॉट लिखता है, हैप्पीनेस इज ओनली रियल व्हेन शेयर्ड, यानी कि खुशी तभी वास्तविक है जब वो दूसरों के साथ बांटी जाए। इसके बाद जब क्रिस को एहसास होता है कि आज ही उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है तो वो एक स्लीपिंग बैग के अंदर लेट जाता है और अपने मॉम डैड और बहन को याद करता है। वो इस दुनिया के लिए एक नोट लिखकर जाता है जिसमें लिखा होता है, आई हैव हैड अ हैप्पी लाइफ एंड थैंक द लॉर्ड गुड बाय एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल। और इसी के साथ क्रिस इस दुनिया से विदा ले लेता है। इसके बाद तकरीबन 2 हफ्ते बाद वहां पर घूम रहे मूज हंटर्स को क्रिस की बॉडी बस के अंदर मिलती है। और ये जो फोटोग्राफ आप देख रहे हैं ये क्रिस जॉनसन मैकिनलिस का रियल फोटोग्राफ है जो उनके कैमरे में लोगों को मिला था। 19 सितंबर 1992 को क्रिस की बहन कैरीन मैकिनलिस अलास्का से उसकी अस्थियां लेकर अपने साथ ले जाती है। ये फिल्म हमें बताती है कि हम लाइफ को कितना भी एक्सपीरियंस कर ले पर ये दूसरों के बिना अधूरी है। क्रिस्टोफर मैकिनलिस जैसे अनगिनत लोग हैं दुनिया में जो थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, जो दुनिया से खफा होते हैं, लेकिन वो किसी को भी बताते नहीं है। हमें उनको भी समझने की जरूरत है। हमें जिंदगी को हमेशा एक्सप्लोर करना चाहिए पर अपनों और अपनों से दूर होकर नहीं। तो ये थी इस फिल्म की पूरी कहानी। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। ऐसे और फिल्म एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।